हिंदुस्तान को बचाना है तो फौरन से पेशतर अदलिया, फौज, हुकूमत और अपोजिशन, इनकी माजराई को खत्म किया जाए। इसके लिए गोल बेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। क्या पाकिस्तान में मसाइल का हल सिर्फ आइंदा इंतखाबात है, मगर आइंदा होने वाले इंतखाबात को क्या मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है? वेलकम टू HPM विद फरियाद। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को फिर एक मोहलत दे दी और लगता ही है कि हुकूमत को एक किस्म की ऑक्सीजन मिल गई, मगर इसके बावजूद सामने एक वाज़े डेडलॉक नजर आ रहा है। नाजरीन, अब इस बंद गली से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है इंतखाबात का रास्ता। सियासी जमातें खुद आवाम के पास जाएं और उन्हीं से फैसला लें कि आगे मसाइल का हल करने वाली जमात कौन सी होगी। बहुत से एनालिस्ट सभी कह रहे हैं कि वही वाहिद तरीका है जो इस डेडलॉक को खत्म कर सकता है। इस डेडलॉक की वजह से हुआ क्या? इस वजह से हमारी मईशत, सियासत, बल्कि पूरी रियासत एक जमूत का शिकार है। सियासी जमातें बाहम दस्त गरेबा अगर नजर आ रही है सियासी मैदान में, तो इदारे भी एक दूसरे के खिलाफ सफे आ रहे हैं। आवाम मायूस और दिलगिरफ्ता है। कल सुप्रीम कोर्ट भी बलोचिस्तान के बारे में एक इंतहाई अहम बात कहने पर मजबूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट सेस बलोचिस्तान में आईनी ब्रेक डाउन हो गया है, इंतजामिया अमन अमान के कयाम में नाकाम हो चुकी है, सूबे में आईन और अदालती अहकाम पर अमल नहीं हो रहा। जबकि आज पाकिस्तान के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को आखिरी मोहलत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त तक खत लिखने को कह दिया है। अदालत ने आज अपने रिमार्क्स में बहुत सी अहम बातें की, जिसमें से कुछ चीदा चीदा बातें ही हैं। अदालत कहती है हमें किसी वजीर आजम को घर भेजने का शौक नहीं है। अदालत ये भी कहती है कि हम एक पोजीशन ले चुके हैं, एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं। वजीर आजम 8 अगस्त तक अदालत के अहकाम पर अमल करें। एक और कोई शक नहीं, MQM के कायल लताफ हुसैन ने चंद रोज कबल पाकिस्तान के हालात पर अपनी सख्त तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है और कहा है, बहुत ये बयान था, काफी ज्यादा रिपोर्ट भी हुआ, मगर इसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि हदूद के करीब, पाकिस्तान के हदूद के करीब अमरीकी बीड़े पहुंच चुके हैं जो जदीद हथियारों से लैस है। मुस्तकबिल में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा जहां पहले ही नेटो अफवाज मौजूद है, और MQM ने इस मामले के लिए गोल कॉन्फ्रेंस बुलाने का मशवरा दिया है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए MQM की क्यादत तमाम सियासी जमातों से राबते कर रही है, और इसी सिलसिले में आज MQM के एक वफ्द ने ANP से मुलाकात की, उन्हें 9-0 आने की दावत दी, मगर कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये तमाम एक गेम है। ऐवान सदर अपनी इतिहादी जमात MQM को इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए कोशिशें कर रहा है, और हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क को दरपेश खतरात को बहाना बनाकर इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। यहीं से हमारा सवाल कि अगर इंतखाबात भी ना हुए तो पाकिस्तान के मसाइल का हल करेगा कौन? इसी पे आज बात करेंगे। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू शौकत महमूद साहब, सेक्रेटरी इत्तला तहरीके इंसाफ में सामने स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका साथ देंगे। हैदराबाद रिजी साहब भी थोड़ी देर में, डेप्टी पार्लियामानी लीडर हैं MQM के। शाजिया मरी साहिबा MNA पीपल्स पार्टी, एंड मुशाजिला साहब सेक्रेटरी इत्तला मुस्लिम लीग नून। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शाजिया मरी, आपसे ही आगाज करूंगी। जिस वक्त आपकी ही इत्तेहादी जमात लोगों को बुला रही है कि मसाइल हल करें, तो उसका मतलब क्या है कि जो मेन जमात है वो नाकाम हो गई है मसाइल का हल तलाश करने में? शुक्रिया फरिया, मेरा ख्याल है कि जो बातें आपने कही हैं वो घूम फिर के एक ही जगह आती हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है, खा वो चैलेंजेस अंदरूनी हो या बैरूनी हो, और मौजूदा हुकूमत जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर कोलिशन पार्टनर्स शामिल हैं, हमने हमेशा यही कहा है, अपनी अपोजिशन से भी यही कहा है कि अगर आपने अपोजिशन करनी है, जो कि हुसन है जमहूरियत का, तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन एकेडमिकली आप इश्यूज को हैंडल करें। और ये मुल्क हम सबका है, हुकूमत चाहे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पोलिटिकल पार्टीज की ग्रैंड अलायंस के नतीजे में बनी हो,
लेकिन पाकिस्तान की डेवलपमेंट और पाकिस्तान का जो कि जो प्रॉस्पेरिटी और आगे बढ़ने का अमल है उसमें हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है। तो हमने तो डे वन से हर एक से ये कहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो शुरू के दिनों में गवर्नमेंट का हिस्सा भी रही है एट द फेडरल लेवल। अब खैर पंजाब विच इज अगेन अ वेरी बिग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंसेस रादर द बिगेस्ट प्रोविंस वहां पे हुकूमत कर ही रहे हैं। तो देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन फरिया हर एक का होता है और ये जो खतरात है चैलेंजेस है ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। हमारी हिस्ट्री कोई स्मूथ नहीं रही है, बड़ी चेकर्ड रही है। हमारे पास जो डिक्टेटरशिप के अदवार रहे, हमारे पास जो हमें बॉर्डर्स पे खतरे रहे, हमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो हम शिकार रहे, दैट्स द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम अभी तीन साल साढ़े तीन चार साल में ये ना सोचें कि जी अब हमारे चैलेंजेस खत्म हो गए। हमारे चैलेंजेस डे वन से वही है, उसमें बेहतरी हमारी जरूर आई है। मेरा सवाल ये था कि इस वक्त आपकी ही इत्तेहादी जमात अगर खुद आके इनिशिएटिव ले रही है, खुद आगे बढ़ के कदम बढ़ा रही है, तो उसका मतलब है क्योंकि आपने सही कहा मुल्क सबका, मगर जिम्मेदारी मेन जमात की होती है जो कि हुकूमत की सबसे बड़ी जमात है। कोई इस पर इसका कोई हिडन मतलब नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड अलायंस जो इस वक्त हुकूमत में है। जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल है उतना ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, एएनपी का है। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर लिहाज से लीड करती है और एक एक्सपीरियंस रखती है, मैच्योरिटी है। और हम समझते हैं कि अगर एक कोलिशन पार्टनर ने इस तरह के मूव को इनिशिएट किया है ये तो एक बड़ी अच्छी बात है और हम इसे वेलकम करते हैं। और आपको ये याद होगा कि जब उन्होंने इस तमाम डायलॉग प्रोसेस का इफ्तिताह किया, इनिशिएट किया, उसके आगाज पर वो सदर मुमलिका जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन भी मिले। तो देखिए ये तो पॉलिटिकल डायलॉग मुझे हैदराबादी साहब से कमेंट लेने दें, वो अब आ चुके हैं स्टूडियो में। जी वेरी वार्म वेलकम टू यू हैदराबादी साहब। आपकी जो मेन जमात है हुकूमत की उससे अलग होके आपको ग्रैंड अलायंस में नहीं बुला रहे, आप लोगों को क्यों आवाज देनी पड़ रही है? क्या हुकूमत नहीं कर सकी है मसाइल का हल? देखिए हम तो किसी मसले के ऊपर बात नहीं कर रहे। हमारा इस वक्त जो मतलब है, जो हमारा मकसद है, जो गर्ज है, वो पाकिस्तान पर जो खारजी हवालों से मामलात हैं और खासतौर पर जो एक नया सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान के लिए डेवलप हो रहा है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ, वो हमारा बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और कायदे तहरीक ने वेरी राइटली सो ये पॉइंट आउट किया था कि अमरीका का एक जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है या एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस एंटरप्राइज, ये मैं आपको ये बताता हूं, ये पाकिस्तान टुडे ने 14 तारीख को ये खबर पाकिस्तानी मीडिया तक पर आ चुकी है कि यूएस एंटरप्राइज जो है वो 50 से 60 नॉटिकल माइल्स पर यहां पर मौजूद है। तो ये तो जो इंटरनेशनल खबरें वो अगर अब लोकल मीडिया पर भी आ गई हैं, तो क्या हम तमाम सियासी जमातों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का, उन तमाम सिविल सोसाइटी क्लेरिफाइड, आपने जो खबर बताई है इसमें आप, मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ही बता दूं, पाकिस्तान टुडे की खबर आप कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहीं और से उठाई? अगर पाकिस्तानी मीडिया तक आ गई ये बात, अगर कहीं लिफ्ट नहीं, इट हैज बीन सेंट टू प्रोपेगेट इंटरनली विद डिफरेंट आईडीज, वी हैड इट ऑलरेडी लास्ट मंथ सेंडिंग यू, ये तो उसके ऊपर है। फॉर इन्फॉर्मेशन आर्टिकल में भी आपने यही बात कही गई है जो कि हैदर रिजी साहब ने अभी पेश किया, लेकिन सवाल ये है क्या कह रहे हैं, कौन जंग मुसलत कर रहा है? अमरीका हम पे जंग मुसलत कर रहा है? अफगानिस्तान के साथ हमारी सिचुएशन वो बड़ी पिक्यूलियर है। और आज 2014 में जो कुछ अफगानिस्तान में होने जा रहा है वहां पर तब्दीली के आसार नुमाया हैं। नेटो एलाइज जो है उसको विकेट कर देंगे, अफगान नेशनल आर्मी वहां पर रह जाएगी। चार बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर अफगानिस्तान को फोकस करना है। सबसे पहले उनकी गवर्नमेंट और गवर्नेंस है, उसके बाद उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके बाद उनकी अपनी अफगान नेशनल आर्मी की सिचुएशन है, और चौथी और जो सबसे अहम बात है वो उनके पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। उसके बावजूद हमारे साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त बॉर्डर्स पर हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान पर ही इल्जाम आयद करता है कि पाकिस्तान की तरफ से उस तरफ गोलाबारी हो रही है और एक तरफ हम उनके ऊपर ये इल्जाम आयद कर रहे हैं, क्या हम किसी महदूद जंग की तरफ चले गए? कायदे तहरीक का क्लियर करने दें कि कायदे तहरीक का पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि इंडिया के साथ आपका 2500 मील का बॉर्डर है और वहां पर आप मुसलसल विजिलेंट रहते हैं।
अगला 2500 का बॉर्डर जो है वो आपके वेस्ट पर मौजूद है। 5000 मील के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए क्या हमें अपनी खारजा पॉलिसी को एड्रेस करना है? बहिरा अरब में अमेरिका भी नया नहीं आया, अफगानिस्तान का मसला भी नया ही नहीं है, इस वक्त क्यों उनको सब कुछ नजर आना शुरू हो गया? देखिए, अगर आप अफगानिस्तान के साथ अगर इस तरह की सिचुएशन में एंटर होने जा रहे हैं, जबकि वहां पर एक साल बाद अफगानिस्तान का मुस्तकबिल पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि एक साल बाद क्या होगा, अगर अल्ताफ हुसैन प्रीएम्प्ट करके अगर पाकिस्तानी सियासी जमातों को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तान की जो फौजी क्यादत है उसकी तवज्जो मबजूल करा के इस सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहे हैं तो कोई गद्दारी है? इन एसेंस ये बुरी बात नहीं है शफकत महमूद साहब के आप लोग अपने बाहर के एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखें, आपस की लड़ाइयां खत्म करें। उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया कि एनपी से आज बात कर ली, जो कि सबसे ज्यादा कहा जाता है कि मसाइल शायद वहां पर हैं इन दोनों जमातों को कराची के हवाले से। मगर मुझे ये बताएं, आप लोग कहते हैं आप 90 दिन में तमाम मसाइल हल कर देंगे, आप कैसे हल करेंगे 90 दिन में मसाइल? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमने ये नहीं कहा कि 90 दिन में हम तमाम मसाइल हल कर देंगे, वो शायद किसी ने गलत समझा है। मैं उसके बाद उसके बारे में कहूंगा, लेकिन जो कौमी सलामती का मामला है, पाकिस्तान की जहां सलामती का मामला है, उसमें हम सब इकट्ठे, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं। इसलिए मुझे तो सिर्फ अफसोस ये है कि तहरीक ये हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बड़ी थ्रेट है जो कि हुकूमत को पता है या कुछ और हुकूमत के साथियों को पता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता, तो हुकूमत को पहल करनी चाहिए थी, नेशन को कॉन्फिडेंस में लें, कौम को बताएं कि भाई क्या हुआ है। क्योंकि जहां हम लोग जो बाहर में बैठे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि हाँ मसले बनते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन कोई आजकल कोई ऐसा कुछ शदीद खतरा लाहक हो गया हो, नजर नहीं आ रहा मतलब है, मैंने ये कहता कि नहीं है लेकिन कोई इमीडिएट, लेकिन मुझे तो ईरान के साथ मसला ज्यादा तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप अमेरिकन मीडिया को फॉलो करें तो ईरान पे हमले की शायद इलेक्शन ईयर में कुछ तैयारियां कुछ हो रही हैं और शायद हो भी जाए, लेकिन पाकिस्तान की हद तक क्या कौन सी ऐसी नई चीज हुई है उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। और अभी मुतहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारा जब डायलॉग होगा तो हमें शायद मजीद पता लगे, लेकिन अभी मेरे प्रोग्राम पे होगा या आप लोगों के नहीं, नहीं, वो तो जो पार्टी नहीं, जो पार्टीज के आपस में मुलाकात, लेकिन हम पार्टीज के कांटेक्ट में हमने जीटीआई के साथ भी बात करनी है, गोल में इस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमें इस सारी चीजों से जरूर तवज्जो देनी चाहिए कौमी सलामती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम भूल जाएं कि अंदर मुल्क में क्या हो रहा है। सलामती जो है मुल्क की, वो सिर्फ बाहर सरहदों पे नहीं होती, सलामती सिर्फ इस बात पे नहीं होती कौन कौन आपके हमला करेगा, सलामती इस बात में लोड शेडिंग, लोग तो तड़प रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या नहीं कहा कि वो 90 दिन में मसला हम करप्शन इंशाल्लाह जो हाई लेवल करप्शन है, हाई लेवल करप्शन हम 90 दिन में इंशाल्लाह खत्म कर देंगे, सिर्फ करप्शन के हवाले से। हाँ हाँ, लेकिन बाकी आपका लोड शेडिंग को टाइम लगेगा, बाकी चीजों को टाइम लगेगा, ये तो एक मिसकंसेप्शन है ना कि सारे मसाइल जो है करप्शन हो जाएगी इंशाल्लाह, हाई लेवल करप्शन जो है टाइम लगेगा 90 दिन में, तो पीटीआई साइल करप्शन का हल कर देगी, लेकिन हाई लेवल करप्शन एक्सटर्नल थ्रेट की बात हो रही है। मिशाल उल्लाह साहब, कौन से खतरात हैं इस वक्त मुल्क को, क्या आप लोग जाएंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की गोमेज कॉन्फ्रेंस में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखे फरिया, मैंने कल भी इस इशू पे 2-3 जगह पे बात की थी और आज मैंने एक बयान पढ़ा है जो प्रेसिडेंट ओबामा का आया है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने अलकायदा की कमर तोड़ दी है और ये कर दिया वो कर दिया और हम जनाब 2014 में वहां से निकल जाएंगे। दूसरी बात, मैंने कल भी ये कहा था कि देखें ये इस तरह की कोई अगर सिचुएशन है जैसी बताई जा रही है तो ये सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो वजारत खारजा का होना चाहिए, वजारत दफा का होना चाहिए, ISPR का होना चाहिए, वजीर आजम का होना चाहिए, प्रेसिडेंट साहब जो कमांडर भी हैं फोर्सेस के, ये 5 जगहें ऐसी हैं कि यहां से अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अच्छा, फिर भी अगर कोई कोई बात कर रहा है, अब देखे ना ये बात अपनी जगह पे है कि वो आप नाए हुरमज जो है ईरान की उसको बंद किया जा रहा है या कर दिया गया है या किया जाएगा, वो सारी बातें प्रेस में आ चुकी हैं। और 2 मकासद के तहत इनके बेड़े जो हैं वो समुद्रों में फिरते हैं, एक को कहीं हमला करना हो या ईरान पे या अफगानिस्तान, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान क्यों हमला करना चाहता है, या अमेरिका ने इस तरह की कोई अभी तक बात नहीं की है।
तो बात यह है कि ये अच्छा अगर कोई ऐसी बात है तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलिट्री के पास और एजेंसियों के पास होने चाहिए और हुकूमत वक्त के पास होने चाहिए, स्पेशली डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस। ये सारे चुप बैठे हैं, इन्होंने कोई इस तरह की इतला नहीं दी। अच्छा, जब इस तरह की इतला नहीं दी तो एक पार्टी जो इत्तेहादी पार्टी है, जो हुकूमत का हिस्सा है, वो कह रही है, तो मेरा ख्याल है उन्हें सबसे पहले हुकूमत से ये बात करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान के आवाम को बताए। नाजुक सूरत हाल मुल्क की तो पिछले 13 साल से है जी, जिसके नतीजे में 40,000 लोग जो है अपनी जानों से जा चुके हैं, अभी भी ड्रोन हमले हो रहे हैं, अभी भी मारपीट हो रही है, बलूचिस्तान के भी हालात खराब है। मैं वक्फे में जाने से पहले दोनों शाज़िम भाई साहब से और आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, आप लोगों को कैसे पहले पता चल गया इससे पहले कि मिलिट्री इंटेलिजेंस थी कोई? आपको याद होगा कुछ ऐसे पहले भी अल्ताफ हुसैन साहब ने जब खिताब किया था लाइव टेलीविजन के ऊपर, तब भी उन्होंने कुछ नक्शे दिखाए थे। ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ उधर जा रही है और लोगों के पास नहीं आ रही? ये सारी इन्फॉर्मेशन हर उस शख्स के लिए अवेलेबल है, चाहे नेट के ऊपर, चाहे प्रिंट मीडिया पर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जिसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं पाकिस्तान को। अगर आप उससे बाखबर रहना चाहते हैं, अगर आप नजर रखते हैं, तो आपको अगर आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और हैं, अगर आप महज कुर्सी, इख्तदार, इलेक्शन, इंतखाबात, इन चक्करों में पड़े रहना चाहते हैं तो एक अलग इशू है। मगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, चाहे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो, चाहे पाकिस्तान की दाखला पॉलिसी हो, चाहे कराची के हालात हो, चाहे बलूचिस्तान के हालात हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हो, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे फिरका वारियत हो, इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर एक नेशनल पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट करें ताकि आइंदा 10 से 20 सालों के लिए हुकूमतें आती जाती रहे, इंतखाबात होते रहे, मगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो। सिर्फ एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि जैसे रिजवी साहब कह रहे हैं कि बड़े नेक इरादे हैं, मुझे ये डर है कि कहीं इस बहाने से कुछ हुकूमती एवानों में ऐसी कोई बात ना चली हो या चल रही हो कि जी इंतखाबात तो जरूरी नहीं है, उनको आगे कर दिया जाए और ये मसाइल जो है इनके इनके ऊपर। तो अगर इस बहाने से कुछ लोग इंतखाबात को आगे करना चाहेंगे तो फिर वो बना सकते हैं। भाई मेरी तरफ से आप कल इंतखाब करा दें, मुझे इंतखाब के होने का कोई इशू नहीं, आप कल करा लें। लेकिन क्योंकि वक्त ऐसा, शाज़िम भाई साहब आपसे मैं जवाब लूंगी इसका, क्योंकि हुकूमत को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त, कि क्या ये हो सकता है कि ये इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश हो जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं? देखिए फरिया, जहां तक सवाल पैदा होता है, आप बार बार इस बात को दोहरा रही हैं कि हुकूमत की तमाम तर जिम्मेदारी, मैं तो बड़ी खुशी से ये जिम्मेदारी कबूल करती हूं, क्योंकि यकीनन अगर हमने वोट लिया है या मैंडेट हमारे पास है तो इस जिम्मेदारी को भी खुशी से इसका इजहार जरूर करती हूं और इस पर जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। लेकिन देखिए हैदर भाई ने जो बातें की है वो भी एक स्टेक होल्डर की हैसियत में की है, और मैं समझती हूँ कि हुकूमत में हो या ना हो, हम बहैसियत पाकिस्तानी सब स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा स्टेक, हमारे बच्चों का स्टेक इसी मुल्क के अंदर है। वजह कोई भी हो या वजूहात हो, लेकिन अगर ये अच्छा अमल है पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, मफाहमत पॉलिटिकल सोच के दरमियान, पॉलिटिकल माइंडसेट्स के दरमियान, पार्टीज के दरमियान, इसमें क्या मुजायका है? अगर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो यूनानिमसली अप्रूव हुआ तो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन क्योंकि It is highly unacceptable that you don't allow me to talk. No, I am allowing you to talk. मैं सिर्फ आपकी बात कह रही हूँ क्योंकि आप दूसरे रूप पे जा रही हैं। इतना खराब है कि मुझे अपनी भी आवाज आ रही है, मुशाहिदुल्लाह। अच्छा, वो मैं आपका ऑडियो ठीक करवा देती हूँ, उसके लिए माजर। लेकिन सवाल मैंने आपको इसलिए क्लियर किया है क्योंकि शायद आपको वो क्लियर नहीं हो सका था, ताकि मैं चाहती दोहरा दूं। इस बात में कोई शक नहीं है कि मुल्क की सलामती के लिए सब लोग आपका साथ देने को रेडी हैं, बट व्हाई नाउ? वो एक कहावत है, मेन मेक निकालना।
मसले निकालना चीजों में से, बाल की खाल निकालना, ये एक मुहावरे हैं, ये हमने इसलिए सुने कि कुछ ऐसी सोच जो है वो माशरे में मौजूद होती है। अगर कोई पॉजिटिव अप्रोच करे किसी चीज के लिए या कोई अच्छा काम करे तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो या ना हो, यू शुड वेलकम दिस। और अगर 2007 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन का बीज एक बार फिर रखा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए था। उस वक्त भी लोगों ने तनकीद की उसके ऊपर, लेकिन तनकीद के बावजूद आज दुनिया ये मानती है कि रेकंसिलिएशन इन पॉलिटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हर जगह रेकंसिलिएशन पॉलिटिक्स के अंदर जरूरी मानी जा रही है। ठीक, आपकी बात सबने सुन लिया जी। जिस बात की शाजिया साहबा को समझ नहीं आ रही, वो रेकंसिलिएशन बड़ी अच्छी चीज है, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। अब तो हम ये बात कर रहे हैं कि कौमी सलामती को एक खतरा है। हैदराबाद रिजवी साहब कह रहे हैं कि हमें ये नजर आ रहा है कि कौमी सलामती को खतरा है। भाई इससे ज्यादा हुकूमत से ज्यादा और किसको पता होगा कि हुकूमती के सलामती खतरा है, क्यों खतरा है कैसे है, इनसे ज्यादा तो किसी को पता नहीं है ना। तो ये पहल हुकूमत को करनी चाहिए, अवाम को। ठीक, इस पॉइंट के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस मिले, पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं। तो वो अब वो कर रहे हैं ना, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को तो सबसे ज्यादा खबर तो या फौज को है या हुकूमत को है। खबर आप लोगों ने हुकूमत को दी है, क्लियर कर दे से पहले। अगर इन्होंने दिया तो बहुत ही अफसोस की बात है। हमारा तो ये काम है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो हम कोशिश इस बात की करें कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, जो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज, कि उन सबको लेकर एक साथ बैठे। अगर लेकिन यहां अगर एनक्यूएम के ऊपर एतराज है, आप बिठा लें, हमारे नून के दोस्त बिठा लें, कोई बैठकर, मगर किस कौमी, अगर अफगानिस्तान में उभरने वाली सूरत हाल को अगर आप कौमी सलामती का इशू नहीं कंसिडर करें, अफगानिस्तान से खतरा तो पाकिस्तान को है साहब, बिल्कुल है। तो आपको क्या नहीं पता रोज बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे को आपको एतराज नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत क्यों सो रही है। नेटो सप्लाई कैसे खुलवा दी अगर इतना खतरा है अफगानिस्तान? नेटो सप्लाई की जो सिचुएशन है, अगर आप ना खोलते तो और ज्यादा एडवर्स सूरत हाल होनी थी। शफकत महमूद साहब मुझसे बहुत ज्यादा बड़े एनालिटिक हैं सब्जेक्ट के ऊपर, उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि जब अमेरिका आपसे वाजे तौर पर यह कह चुका था कि इफ यू वॉन्ट अलाउ अस टू गो टू अफगानिस्तान वी आर दिस राउट वील कंसिडर पाकिस्तान एज एन एनिमी स्टेट, ये आपने खबर दे दी है कि कह रहे हैं कि नेटो सप्लाई ना खुलती तो इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हो सकती थी पाकिस्तान के लिए। और साथ ही साथ शाज़े मई साहब का कहना यह है कि एवरीवन शुड वेलकम दैट, मगर लोग क्यों इसके ऊपर अपने रिजर्वेशंस दिखा रहे हैं। आपको बताती हूँ, अमरीका की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई गैर यकीनी हो चुकी है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और जोर तोड़ में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून को पंजाब में टफ टाइम देने की हिकमत अमली तैयार कर रही है, तो दीगर जमातें अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है। इसमें मुस्लिम लीग नून का सिंध के साथ ताल्लुक के ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया। मगर बड़ा अहम पॉइंट विच आई एम लीविंग फॉर यू टू पॉन्डर ऑन इसके, ये कहता है अपने इदारे के अंदर यह अखबार कि लगता यह है कि पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात काफी अरसे तक नहीं होंगे। थिंक अबाउट इट, उसके बाद बात होगी। कीप वॉचिंग 8 PM फरिया न्यूज। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं उन खतरात की जो इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को लाहक है, मगर खतरात कौन से हैं? क्या कुछ अरसे पहले मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जमहूरियत नाकाम नहीं हुई। इसमें शाह साहब वो कौन से खतरात है जिसके मियां नवाज शरीफ जिक्र कर रहे थे, और क्या कोई ऐसी कोशिश आप लोगों को नजर आ रही है कि शायद इंतखाबात मुलतवी करने की जा रही है? देखें, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने 2010 के आखिर में एक 10 नुकाती एजेंडा हुकूमत को दिया था, जिसमें ये तमाम बातें जो अभी हैदर अब्बास रिजवी साहब ने कही हैं कि जी मुआशी पॉलिसी क्या होगी, तो खर्जा
क्या होगी, तो अमन अमान कैसे कंट्रोल होगा, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। एहतसाब कैसे होगा, कर्जे कैसे वापस लिए जाएं, सब कुछ लिखा हुआ था। उसको किसी ने यानी के दरखुर इतना नहीं समझा। ठीक है, मर्जी है हुकूमत की, समझना समझती तो ठीक था। आज से 2-2.5 साल पहले ये शुरू हो जा सकता था अमल। अब फौरन जो ये बात हो रही है, इसमें देखें शकूक और शुबात उस वक्त पैदा होते हैं। बहरहाल देखें, मैं दो बातें होंगी, या हैदर अब्बास रिजवी साहब जो बात कह रहे हैं ये ठीक होगी या ठीक नहीं होगी, तीसरी कोई बात हो नहीं सकती। अब ठीक है तो मैंने गुजारिश कर दी है कि उसका तरीकाकार है कि हुकूमत ये बताए कि जी ये हालात है और इस पे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हैदर अब्बास रिजवी साहब क्या इस बात की गारंटी करेंगे कि इससे पहले भी तो ये सारा कुछ जो हो रहा है बैरी बेड़ा, ये जो वार अगेंस्ट टेरर है सो कॉल्ड, इससे इंटरलिंक्ड है ना, तो इसके सिलसिले में तो एपीसी भी हो चुकी है, करारदादें पार्लियामेंट की भी हो चुकी हैं, उस पर किसी ने अमल दरामद नहीं किया। अब जो एपीसी होने जा रही है उस पर कौन इस बात की गारंटी करेगा कि जो माजी की करारदादें और एपीसी जो हुई है उसकी करारदादों का जो हशर हुआ है, क्या इसका भी क्या आज जो बीती है क्या कल भी यही बीतेगी? बैंड जीतेगा कि शायर की गजल जीतेगी? भाई बात यह है, 4.5 साल से जायद हो चुके हैं, अब इलेक्शन ईयर है, 2-4 महीने बाद इलेक्शन होना है, और ये बात अगर इस मौके पे इस अंदाज से आएगी, लोग हो सकता है ये बात दुरुस्त ना हो लेकिन लोगों इस बात पे इस एंगल से सोच रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि कहीं ये इंतखाबात को डिले करने की साजिश तो नहीं है। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे मौजूद है, इसको क्लियर करना चाहिए और इसमें हुकूमत को आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें बताएं ना खतरा किस, भाई अफगानिस्तान क्या करेगा हमला करके पाकिस्तान पे? एक तरफ ओबामा कह रहे हैं हम जा रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान हमला, अफगानिस्तान क्यों हमला करेगा? ये सवाल है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, कर चुके हैं हम सवाल है, अफगानिस्तान क्यों, मोटिव क्या है, क्यों हमला करेगा पाकिस्तान? मैं मुझे तो यकीन जानिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करके हमने कोई गुनाह कर दिया है तो गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे, हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा। मैं अल्ताफ भाई से भी रिक्वेस्ट कर लूंगा कि अल्ताफ भाई पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हुकूमत की बात कर लें, वजारतों की बातें हो जाएं, कुछ इंतखाबात की बातें हो जाएं, चना गुजोर गरम चलता रहे, कुर्सी कुर्सी खेलते रहे, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करना अबस है, कोई संजीदा नहीं है इस हवाले से। सबके सामने जाकर पहले तो हम ये वजाहतें देते रहे कि जी अफगानिस्तान में उभरने वाली सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। क्यों हम, है सवाल ये हम, क्यों है? इसलिए कि अफगानिस्तान में आइंदा 2 सालों में जो दिखाई दे रहा है डिफेंस एनालिस्ट को, जो कि नेशनल स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर नजर रखते हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान में करीने कयास ये है कि वहां पर एक बड़ी सिविल वॉर होगी और जिसके पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े फॉलआउट्स होंगे। और हमारी गलती यह है, हम वो बेवकूफ लोग हैं जो इसको प्रियम्प्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के नुकसान को कम करें, आइंदा ख्याल करेंगे। नहीं नहीं, इसमें इसमें साहब आज उन्होंने एनपी से बात भी की, तो जहां बात करनी तो बड़ी अच्छी बात है, बात सियासी, हम सारे पाकिस्तानी हैं, सारे मुहिब वतन हैं, हमारी आपस में बातें होती रहनी चाहिए, इसके बारे में तो दो राय नहीं है। मैं मुझे सिर्फ और मैं थोड़ी सी इस पे बात करूंगा फिर दूसरी बात पे आऊंगा। देखें, बात यह है अफगानिस्तान की जो उभरती सूरत हाल है, जो आइंदा होगा उसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए, लेकिन यह कहना कि अगले महीने में या 1.5 महीने में या 2 महीने में कुछ हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज मुझे ख्याल से आपको ही नजर आ रही है। लेकिन जो चीज जिस पे हमें गौर करना चाहिए, आपने जहां से प्रोग्राम शुरू किया था कि यहां पे मुल्क में 2 बहरान है बड़े सीरियस किस्म के, एक है जिसको गवर्नेंस कहते हैं यानी कि रियासती अमूर चलाने का बोहरान है, और दूसरा आपका आईनी बोहरान है जहां पे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने। तो और इन सब का इलाज भी आपने खुद तजवीज कर दिया था कि इसका इलाज यह है कि इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल यही है, सारी दुनिया में ऐसे होता है, जब कौमें दलदल में फंस जाती हैं तो वहां से निकलने के लिए इंतखाबात का एक बहुत बड़ा रोल है, और इंतखाबात जो है वो बिल्कुल साफ और शफाफ होने चाहिए ताकि पाकिस्तान इस दलदल से निकल सके। तो आप ये समझते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट का भी हल इलेक्शन है? नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, खैर वो भी है, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ
कि जहां हमें बाकी सारे मामलात पर नजर रखनी चाहिए, ये कतर नहीं हो कि जो ये तो नेक दिली से कर रहे हैं लेकिन कुछ और लोग इन मामलात का सहारा लेकर, हकूमती लोग जो चाहते हैं इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, कुछ 6 महीने साल आगे किया जाए, वो ना। कि आप लोग भी इत्तफाक करते हैं तफूस हैं साहब से, आप भी समझ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को वो खतरात लाहक हैं जिनका इशारा अल्ताफ हुसैन साहब ने किया है। देखिए परिया, हमने तो हमेशा से ये कहा है कि पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, अंदरूनी चैलेंजेस हैं अपनी जगह जो बहुत अहम है, और यकीनी तौर पर एक्सटर्नली भी हमें ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके लिए डेमोक्रेसी को मजबूत होना है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को मजबूत होना है, और हमारी ये कोशिश 2007 से बड़ी वाजे है। जहां तक सवाल पैदा होता है अफगानिस्तान का बिलखसूस, देखिए अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं या जो उन रिलेशंस को अहमियत देने की बात है, तो पाकिस्तान ने सिर्फ इस दौर में उसे बड़ा वाजे किया है, और हमने ये कहा है कि अफगानिस्तान की सोल्यूशन का हम हिस्सा हैं, इसीलिए हमें अफगानिस्तान के हवाले से हर फैसले में शरीक होना है। तो देखिए कहीं इस इम्पोर्टेंस को हमने फील किया है, इसी वजह से डिप्लोमेटिकली देख लें, वजीर आजम साहब का आप अभी देख लें हालिया दौरा, उन्होंने जैसे ही ऑफिस संभाला बहुत जल्द वो अफगानिस्तान गए, तो ये तमाम चीजें इस बात को वाजे करता है कि अफगानिस्तान को लेकर जो हमारे कंसर्न्स हैं वहां बेहतरी के हवाले से, वहां अमन के हवाले से, उसमें हम शरीक हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे बड़े करीबी नेबर्स हैं और उन्हीं के इश्यूज की वजह से या वहीं जो एक तारीख बनी है उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली एक शफकत महमूद साहब, देखिए आप बोल रहे थे 90 दिन में जो आपने तीर मारने, मैंने उस पर जिक्र नहीं किया, आप कैसे करप्शन खत्म करेंगे, मैंने आपसे वो नुस्खा नहीं पूछा, अगर आप इतने हुब्बुल वतन है तो आप बता दें कि वो नुस्खा क्या है, क्योंकि करप्शन इज अ मेनेस एंड इफ यू हैव इट एंड इफ यू आर नॉट शेयरिंग इट विद द गवर्नमेंट देन यू आर नॉट डूइंग गुड टू दिस कंट्री। तो देखिए बात सारी है कि अगर आपके पास कुछ कंट्रीब्यूट करने का है, आप इस मुल्क की फलाह के लिए, डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें, अपनी दुकान चमकाने के लिए आप अंधिये दे देते हैं, आप बहरान पैदा कर देते हैं जबकि बहरान मौजूद है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वी हैव टू बी मोर मैच्योर, चैलेंजेस करप्शन बहरान नहीं है, लानत है मैनेज है कि बहरान कहां से हुआ, आप बहरान किस चीज को कह रही है बीबी, इट्स नॉट बहरान, तो वो इंटरनल से को है, ऐसी लानत है जिसको हमें सबको फेस करना है। ठीक है, उर्दू जबान तो समझे नहीं, वो एक्सटर्नल थ्रेट की बात भी हो रही है ना, और साथ वो इंटरनल थ्रेट की बात करें, वो ये कह रहे हैं जरूरी दूर करो नुकसान अंदरूनी खतरा कर रही हो, ब्यूरोक्रेसी कर रही हो, करप्शन कोई इदारा कर रहा हो, करप्शन एक आदमी सड़क पे चल रहा कर रहा हो, एक फ्रूट बेचने वाला कर रहा हो, करप्शन ऐसी चीज है जिसे हमें जान छुड़ानी है। लेकिन अगर कोई ये दावा करे कि जी 90 दिन में खत्म करेंगे, फिर उसको वजाहत करे कि आपको समझ में नहीं आया, आप तजलील कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की, अभी तो आप इलेक्शन प्रोसेस में नहीं आए, आप कह रहे हैं आपको हमारी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, आपके पास तो नुस्खा है, जो कहा आपको बताया, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, शाजिया बीबी को मैं बता देता हूँ, नुस्खा बड़ा आसान है, हमने कहा आप 90 दिन में हाई लेवल करप्शन करेंगे, इंशाल्लाह हमारा वजीर आजम करप्ट नहीं होगा, हमारे वजीर करप्ट नहीं होंगे, हमारे मशीर करप्ट नहीं होंगे, इंशाल्लाह हमारा सदर करप्ट नहीं होगा, हमारे चीफ मिनिस्टर करप्ट नहीं होंगे, हमारे जो ये पार्टी के बाकी लोग ओहदों पे हैं वो करप्ट नहीं होंगे, तो हाई लेवल करप्शन तो खत्म हो जाएगी। तो मैं तो आपको अपनी पार्टी का बता रहा हूँ, वो ऐसी है जहाँ पर बैठ कर सर जोड़ कर स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी, आप ब्यूरोक्रेसी को करप्ट नहीं समझते? नहीं नहीं, ब्यूरोक्रेसी मैं तो पहले बताया ना आपको, हाई लेवल करप्शन बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं, अगर आपने इस इशू पे बात करनी है, जिनके घरों में 8 साल यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन हमारे तो लीडरान करप्ट नहीं होंगे, तो कौन सी सर्विस, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आप तो ब्यूरोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं, वापस आ जाते हैं, आप तो कह रहे हैं ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार
पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने ना जाए और जिन फ्रॉड के हवाले से बातें निकली है वो सामने ना। आप यही कह रहे हैं ना, आप यही कह रहे हैं कि जी सिर्फ पार्लियामेंट बुरी है, आप यही कह रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं कहा अभी भी, मैंने कब कहा कि पार्लियामेंट बुरी है? मैं तो आपसे कह रही हूं ये चीजों की बात नहीं है, कि आपके ब्यूरोक्रेट्स भी करप्ट नहीं है। बिल्कुल है, ये आप मान लीजिए हम करप्ट लोगों को नहीं लगाएंगे, हम ऐसे लोगों को नहीं लगाएंगे जो जिनके बारे में बुनियादी साहबान या बाकी जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, हम उनको नहीं लगाएंगे। वो कह रहे हैं उनका नुस्खा ये है कि वो करप्ट लोगों को लगाएंगे नहीं शादी साहबान, लेकिन आपके पास नुस्खा क्या? अगर है थ्रेड कोई नहीं लगाता फरिया, करप्ट लोगों को कोई नहीं लगाता अनफॉर्चुनेटली। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है कि कम से कम 5 लोगों के नाम तो मैं बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पास अरसलान इफ्तिखार का स्टेटमेंट मौजूद है जो वो कहते हैं जी मैं नैब के सामने नहीं आऊंगा। अब इससे ज्यादा आप क्यों नहीं करते इस पे प्रोग्राम? उनका हैरान कुन स्टेटमेंट है फरिया, बिल्कुल आना चाहिए। आप एक मिनिस्टर उठा लेते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर उठा लेते हैं, अरे भाई चपरासी भी यहाँ पे अकाउंटेबल है। चलो ठीक है, मैं मुशाहिदा साहब के पास चली जाती हूँ। मुशाहिदा साहब आप बता दें अफगानिस्तान से बचाव का कोई तरीका, आप लोग जाएंगे इनकी एपीसी में? मुशाहिदा साहब से हम बात करें जैसे जी। मुशाहिदा साहब एक तो मसला यह है कि हैदर अब्बास रिजवी साहब जो हैं उन्हें पूरा हक हासिल है, उनकी पार्टी को कौमी सलामती पे बात करने का हर एक को हक हासिल है। मैंने जो सवालात खड़े किए थे उसका जवाब नहीं दिया गया। बात यह है, अच्छा जब भी एक हर काम को करने का एक करीना और सलीका होता है, मसलन MQM बैठी हुई है हुकूमत में, काफ लीग हुकूमत में है, ANP हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। सबसे पहले इन्हें आपस में कंसेंसस करना चाहिए था, जो मुझे अभी तक इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आ रहा, और इसका ऐलान हुकूमत करती, उसके बाद अपोजिशन से बात करती, पार्लियामेंट से बाहर की पार्टियों से बात करती, जो तरी और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के आवाम को रिजर्वेशन है के वो है ना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतवार होता। इन्होंने माजी में APC और करारदादों का जो हशर किया इसका कोई तदारक भी तो करे ना कि जनाब अगर ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो गई तो उसके नतीजे में जो भी बात सामने आएगी उस पर अमल कौन करेगा? इससे पहले माजी में जो गोल मेज कॉन्फ्रेंसेज हुई है, मेरी गुजारिश सुने, इससे पहले माजी में जो गोल मेज कॉन्फ्रेंसेज हुई है उसका आउटकम क्या निकला? इंतखाबात निकले। अच्छा अब ये इंतखाबात बहरहाल नजदीक है, अर्ली कर लें या अपने वक्त पे कर लें। अच्छा अब ये भी मसला ये है कि अब लोग सवालात कर रहे हैं, हुकूमत से कर रहे हैं, इत्तेहादी पार्टियों से भी कर रहे हैं कि जनाब आपने 4.5 साल में किया क्या है, बलोचिस्तान में चीफ जस्टिस क्या कह रहा है, कराची वाले भी चीख रहे हैं, लोड शेडिंग वाले भी शोर मचा रहे हैं। इन सारी बातों का जवाब देने के बजाय आप कहें कि जी वहां बैरी बेड़ा आ रहा है और अफगानिस्तान हमला करने वाला है, तो जाहिर है किसी तीसरी ताकत को आप रास्ता दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंशन है और शाज़िम भाई साहब से, लेकिन आप लोग जाएंगे इनकी APC में? मेरा सवाल आपसे ही है, PMLN का मौका? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये अपनी राय दे रहा हूँ। बात यह है कि हर बात जो भी कौमी सतह पे कोई पार्टी करेगी उस पर गौर होना चाहिए संजीदगी से, उसके जो माइनस प्लसेज हैं वो देखने चाहिए, और कौमी मफाद में अगर कोई बात देखने चाहिए। मगर आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उसमें सोच विचार होनी चाहिए, हम अभी सोच विचार के मरहले में हैं, अभी सोच लेकिन रहे। मैं कुछ बातें यानी कि मेरिट पे कर रहा हूँ कि देखिए ये कोई बात ये सवाल आपने मुझे करने मुझे इसको रेस करने दे। ड्रोन हमलों का एक प्राइम एग्जांपल है कि कितनी दफा पार्लियामेंट में आवाज उठी, कुछ नहीं होता, ड्रोन हमले होते चले चले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपकी इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और जाहिर है कि मैं जो सच्ची बात है वो ये है कि जी आप एक कमजोर इकोनॉमी है, उनके कर्जों पर पलते हैं, आपके साथ वो जैसा सुलूक रवा रखना चाहते हैं आप मजबूर होते हैं। ये हमारे बात गलत दे रहे हैं आप, मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे बात मुकम्मल करने का हक तो देंगे ना आप। जब आप किसी मुल्क को ऊपर ले जाने की बात करते हैं तो हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ 7 नुकात पर दावत फिक्र देना चाहते हैं पाकिस्तान की तमाम जमातों को। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक नुक्ता,
फॉरेन पॉलिसी, दूसरा नुक्ता इंटरनल पॉलिसी, तीसरा नुक्ता इकोनॉमिक पॉलिसी, चौथा नुक्ता डिफेंस पॉलिसी, पांचवा नुक्ता एनर्जी पॉलिसी, सातवां नुक्ता। वेरी गुड, लेकिन फिर आप तो इतना आप क्या समझ रही है, अफगानिस्तान से लड़वाने के लिए, अफगानिस्तान अगर आज 2014 की फिक्र अगर आप बहसियत एक कौम करेंगे तो 2 साल पहले से आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बांग्लादेश गंवा चुके, बलूचिस्तान जा रहा है, इस सिचुएशन में अगर आप अब भी सोचने समझने और बैठने को तैयार नहीं है और हर चीज के बारे में आपको इलेक्शंस और साजिश और जमहूरियत और ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, बीबी पाकिस्तान नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। हम तो इन 7 नुकात पर तमाम जमातों को दावत फिक्र देना चाहते हैं कि इंतखाबात से कबल इनको बैठकर तय कर लें वंस एंड फॉर ऑल, और उसके बाद हर आने वाली हुकूमत चाहे आपकी हो, आपकी हो, आपकी हो, किसी की हो, वो इन नुकात को लेकर आगे चले और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान की इंश्योर हो जाए। मैं रिजवी साहब को दहाई अदब से कहना चाहता हूं कि ये जो 7 नुकात हैं ये आज से साल पहले भी थे, आज से 2 साल पहले भी थे, आज से 3 साल पहले भी थे और अब भी है। वो कह रहे हैं हमने भी और अब भी है और बहुत जरूरी नुकात है और इनका ये बात दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नहीं होगा या बहुत कमजोर हो जाएगा या तो फिर इंतखाबात बाकी, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस ऐसे मरहले पर ये जो टाइमिंग है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइमिंग को हमें सोचना पड़ेगा। हम जरूर बात करें इन मामलात की, जब हम MQM के साथ हमारे मुजाकरात होंगे तो हम जरूर डिस्कस करेंगे उसको। मैं कहता हूँ APCD गोल्ड मेस कॉन्फ्रेंस भी देखिए हमारी पार्टी इस पर मुशावरत करेगी, जब आएंगे हम मिलेंगे तो मैं उसका फैसला तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम सारे बैठ के बातें करें, लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं बननी चाहिए जिससे इंतखाब का जो मुकर्रा वक्त है इसका एक तरीका है। शाज़िम भाई साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग अगर इलेक्शन का एक कोई टाइम टेबल बता दें और साथ आप कह दें कि सब आ जाओ इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तो सब आएंगे, फिर सही तरीके से इसके ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि खदशात नहीं होना चाहिए। मतलब है कि सिर्फ इस चीज का इंतजार किया जा रहा है कि डेट इलेक्शन की क्या होगी और कब अनाउंस होगी। देखिए जो डेट है जो बाकायदा आईन के मुताबिक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये तो हर एक के लिए एक अच्छी बात होगी कि पूरा वक्त आईन के मुताबिक ये हुकूमत अपना पूरा करे। क्यों डिक्टेटर 9 बरस कर लेता है, 11 बरस कर लेता है, ये काले दाग हमारी तारीख में लगे हुए हैं। जिसको जमहूरियत की अहमियत का अंदाजा है वो ये चाहेगा कि जमहूरी हुकूमत अपना आईनी टेन्योर पूरा करे। मुझे हैरत हो रही थी शफकत महमूद साहब कह रहे कि साल पहले हालात ये थे, 2 साल पहले हालात ये थे, 3 बरस पहले। भाई 3 बरस पहले तो शफकत महमूद साहब का तो आर्टिकल खुद इमरान खान की सियासत के बिल्कुल नेगेटिव आया, उन्होंने 3 बरस पहले, उनके हालात अलग थे, 3 बरस पहले वो खुद लिख रहे हैं इमरान खान स्ट्रेंज पॉलिटिक्स। तो 3 बरस में तो इनका पूरी सोच बदल गई, इनका पूरा डायरेक्शन बदल गया, जो कुछ इन्होंने लिखा है इमरान खान के बारे में, आवाम को गुमराह ना करे। अल्लाह का शुक्र है मेरा डायरेक्शन एक है, मेरा ईमान एक है, मेरा काबा एक है और मैं अपने उसी सिमत में चल रही हूँ, क्योंकि मैं शहीदों की जमात को बिलोंग करती हूँ। प्रिंसिपल्स बदलना इतना आसान नहीं होता महमूद साहब, माफ कीजिएगा माजरत के साथ, शायद आपके लिए आसान हो, लेकिन जहां सवाल पैदा होता है फरिया, एक मुल्क के अंदर बहैसियत पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कोई भी हो, हमारे अपने अपने मैनिफेस्टोस कुछ भी हो, लेकिन मुफाहमत और यूनिटी, ठीक, ये जो यूनाइटेड एफर्ट है वो आपका आपकी पार्टी का मकसद है। इसके लिए आजकल पाकिस्तान की परिस्थिति खराब कर रहा है, वक्त कम है, जल्दी से पार्लियामेंट को जल्दी से मैं सवाल का जवाब दे दें, वक्त कम है, माजरत के साथ मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि आप ऐलान कर रहा है कि जी हम बेबस हैं, तो देखिए ये परसेप्शन हमारी खराब होती है, कौम की इस मुल्क की खराब होती है, वी हैव टू। लेकिन अभी अभी तो MQM आपकी हम ही जवाब कह रही है कि हालात खराब हैं, एक्सटर्नल हालात खराब हैं, तो आप इससे तो एग्री कर रहे हैं ना, आप लोग मान रहे हैं इस बात को। देखिए हम तो कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान पे उनको तश्वीश है तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल इस पे फोकस कर रही है और अच्छा होगा अगर हम पॉलिटिकली सर जोड़ के बैठे, हम पहले भी कई दफा बैठे हैं इस दौर में, और अगर हम सर जोड़ के बैठेंगे अपने आप को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, तो उसमें कोई मजाक नहीं, इसमें कोई मजाक नहीं। सबको महमूद साहब लास्ट वर्ड, बैठ जाए सब लोग बैठ के देख लें एक दफा और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के ऊपर देख लें।
ये शाजिया साहबा एक मफरूजा अपने जहन में बनाती हैं, फिर उसका जवाब देना शुरू कर दी। हमने कब कहा है कि हम मिलके ना बैठे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, पहले भी आपने बात की और तीन बरस बाद आपने खुद सिर्फ ये इनका इनकी आप अपनी ड्रीम वर्ल्ड से निकल आए, सिर्फ ये 90 डेज आपके लीडर ने कहा कि करप्शन दूर करेंगे, हाई लेवल तो आपने ऐड किया इसमें। उसके बाद हम बैठेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों का क्या है, आप कितने उड़ाएंगे, हम तो हर सियासी जमात के पास जाएंगे, हम सोल्यूशन प्रोवाइड एमक्यूएम अकेले नहीं कर सकती, हम फोरम प्रोवाइडर की हैसियत से काम कर रहे हैं कि एक ऐसी जगह पर जहां पर सारे बैठ जाएं और वो सोल्यूशन निकालें। पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत गैर मशरूत है, हमें कोई कंडीशनलिटी नहीं चाहिए कि जी इलेक्शन कब डेट अनाउंस करें ना करें, हमारे हिसाब किताब में तो इलेक्शन मई से पहले पहले हो जाने चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके का है, वो जमात जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके का। लंदन में जब एपीडीएम फॉर्म हुआ था तो उस वक्त एपीडीएम के फोरम ने इस जमात को ब्लैकलिस्ट किया था, बिल्कुल किया था, पॉलिटिकल एपीडीएम में पीपल्स पार्टी भी, ये इस नहीं एपीडीएम में पीपल्स पार्टी नहीं थी, एपीडीएम में नहीं थी, एपीडीएम नवाज शरीफ ने एपीसी में थी पीपल्स पार्टी भी, मुझे आवाज नहीं आ रही ना, मगर मैं आपको क्लियर करूँ ना, बिकॉज अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माई प्रोग्राम। खतरात पाकिस्तान को जो भी लाक है इसके बारे में कोई शक नहीं कि तमाम जमातें ऐसे वक्त में यकीनन यकजा होकर खड़ी हो जाती हैं, तमाम जिंदा कौमों की यही रवायत रही है, और अगर पाकिस्तान को खुदा ना खासा ऐसा कोई खतरा लाक है तो यकीनन फिर सवाल यही है कि आपको यूनाइटेड ही उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। मगर कहीं कोई और यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो उसके बारे में भी हम जरूर जाना चाहेंगे। यू कैन राइट टू मी ऑन माई फेसबुक ब्लॉग विच इज फरिया इदरीस 8 PM विद फरिया इदरीस, और यू कैन ट्वीट मी ऑन माई ट्विटर अकाउंट विच इज फरिया FERWE। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, कल एक बहुत ही सरप्राइज प्रोग्राम है आपके लिए, मगर वो कल बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।